संसद के शीतकालीन सत्र में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों की एक ही प्रवेश परीक्षा यानी नीट को वैधानिक दर्जा देने से संबंधित दो विधेयक पास कर दिए गए। संशोधन का मकसद परीक्षा की बहुलता को रोकना, पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश और छात्रों को शोषण से मुक्त करना है। एक परीक्षा होने के नाते छात्र पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। भ्रष्टाचार जो मेडिकल एडमिशन में हो रहा है उसको पूर्ण विराम लगेगा। दूसरा मुन्ना भाई MBBS पिक्चर निकलेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंटायर नेशन टू बी गोइंग सिटिंग फॉर वन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स थ्रू आउट द कंट्री। देयर इज अनदर अप्रिहेंशन दैट ओनली द CBSE students are in a has got a better footing for getting admissions in medical colleges. वैसे तो जो national curriculum है that is of NCERT for CBSE and all for state governments also. But the state governments ने जो भी syllabus को रखा है उस syllabus को हम parity करेंगे और उस syllabus की parity करके ही हम entrance examination करेंगे। देखिए संसद संवाद सिर्फ राज्यसभा TV पर।